नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अपन को टपकाने का सपना देख चलेगा, सपने में रामपुरी चक्कू से आप उनका सीना एकदम छलनी कर डाल तो भी वांदा नहीं। इंदौर में आए दिन बदमाश अपना रुआब कायम करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो पर एक युवक द्वारा पिस्टल लहराते हुए और फिल्मी डायलॉग बोलते हुए वीडियो अपलोड किया गया। सोशल मीडिया पर हुए अपलोड इस वीडियो के बाद तत्काल राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फेसबुक पर अपलोड करने वाले युवक जितेंद्र निवासी न्यूयॉर्क सिटी को देर रात गिरफ्तार किया। युवक वीडियो अपलोड करने पर अपने आप को मुंबईया गैंगस्टर बताने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र के कब्जे से एक पिस्टल व दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गद्दी तेरी पर ताज हमारा होगा और शहर कोई सा भी हो पर राज हमारा होगा। गौरतलब है कि इन दिनों पुलिस सोशल विंग के द्वारा सोशल मीडिया पर नजर रखी हुई है, जिनमें लोगों को बीच अपनी दहशत फैलाने वाले बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल किया था, उसमें वीडियो में वो पिस्टल लेके और कुछ अपना डायलॉग वाला बोलता सुनता हुआ दिखाई दे रहा था। ये चूंकि आपत्तिजनक वीडियो था, सनसनी फैलाने वाला और एक तरह से गुंडागर्दी को प्रमोट करने वाला टाइप का वीडियो था, तो उसमें पुलिस ने इसकी सीरियसनेस से लिया इसको और इसके जाके आइडेंटिफाइड किया तो पता चला ये न्यूयॉर्क सिटी का रहने वाला है, जितेंद्र इसका नाम है। और आइडेंटिफाइड करके पुलिस ने इसको पकड़ा और उससे पकड़ने पर उससे एक कट्टा, देशी कट्टा बरामद हुआ है जो कि वो वीडियो में शो कर रहा था। तो इसमें 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कट्टा कहाँ से लाया और उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व निकलेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। गद्दी तेरी पर ताज हमारा होगा और शहर कोई सा भी हो पर राज हमारा होगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स टुडे इंडिया पर।